नॉर्मल एबनॉर्मल वाले सम में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं विथ कॉलम्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, डिपेंड्स कि कौन से ईयर में वो हमने राइट ऑफ किया है। जैसे ये सम हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है 600 रुपये राइट ऑफ किया है हमने 31 मार्च 2020 को। 3600 का गुड्स था जो बिक नहीं रहा है, इसलिए अपन ने 600 रुपये राइट ऑफ किए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करें फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। हमें कहा गया है 600 रुपये राइट ऑफ किया है स्टॉक में से, जो 31 मार्च 2020 का है। ओके, मतलब 1920 फाइनेंशियल ईयर वाला। तो ये वाले स्टॉक में से अपन ने 600 रुपये राइट ऑफ किया है। ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर द डेट ऑफ हायर जो अपन बनाते हैं साथ साथ करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये 1 अप्रैल 2019 का स्टॉक है। अब 1 अप्रैल 2019 मतलब 31 मार्च 2019, क्योंकि नेक्स्ट डे ही ये 1 अप्रैल 2019 हो जाएगी। ओके, तो हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है। जानबूझ के उसने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 31 मार्च 2019 रखा है, वो समझने की बात है वो 1 अप्रैल 2019 का स्टॉक है। तो 25,000। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेजेस की हैं, 1,33,600, 1,33,600। सेल्स कितनी की हैं, हमने सेल्स की हैं 1,80,000। बाय सेल्स 1,80,000। अब क्लोजिंग स्टॉक अंदर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इस वाले स्टॉक में हमने 600 रुपये राइट ऑफ कर रहे हैं, तो अब हम वो एड बैक कर देंगे। तो इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि रिटर्न ऑफ पार्ट हम लोग एड बैक कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। जो हमने राइट ऑफ किया था अब हम राइट बैक कर रहे हैं, तो राइट ऑफ पार्ट हम प्लस कर रहे हैं। और 32,600 हमने लिखा, जो हमने राइट ऑफ कर दिया उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखा है, क्योंकि जब भी फायर क्लेम होता है तो स्टॉक शुड बी एट कॉस्ट प्राइस। तो हमने जो 600 रुपये राइट ऑफ किया था वो अपने ऐड कर दिया। करेक्ट, डेट इंपॉर्टेंट थी, 31 मार्च 2020 वाले स्टॉक में अपन ने 600 ऐड कर दिया। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसका हमेशा क्रेडिट साइड बड़ा होता है। टोटल करेंगे, ये टोटल इधर जाएगा, डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और वो हो जाएगा 54,000। जीपी रेट करेक्ट 54,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो दैट टर्न्स टू 30%। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ हायर। अब इसमें एक न्यू चीज सीख रहे हैं, आपके कॉलम्स चेंज हो गए, पर्टिकुलर्स टोटल नॉर्मल एबनॉर्मल, पर्टिकुलर्स टोटल नॉर्मल एबनॉर्मल। अब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो वही फंडा है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 32,600, ये बन जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हम लिखेंगे 32,600। अब इसमें से कुछ नॉर्मल है कुछ एबनॉर्मल है, तो आपको दिया गया है कि जो एबनॉर्मल गुड्स हैं जो नहीं बिक रहे थे उनकी कॉस्ट प्राइस थी 3,600। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3,600 एबनॉर्मल के कॉलम में। अब टोटल 32,600 है, जिसमें से 3,600 अगर एबनॉर्मल है तो नॉर्मल कितना होगा? डिफरेंस बिल्कुल सही 29,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर के लिए हमें डेट ऑफ फायर तक की परचेजेस कितनी है? 65,000। तो हमने लिखा टू परचेजेस 65,000। अब सवाल यह है कि नॉर्मल की है कि एबनॉर्मल की है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो भाई लॉजिकल है ना, जो माल बिक नहीं रहा है वो कोई कोई खरीदेगा। 3,600 का माल पुअर सेलिंग लाइन था ना, नहीं बिक रहा था। ओके, राइट, तो अब जो माल नहीं बिक रहा है वो तो कोई खरीदेगा नहीं, तो डेफिनेटली 65,000 पूरी की पूरी नॉर्मल की परचेज होगी, एबनॉर्मल की परचेज नहीं होगी, लॉजिकल है। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेल्स, टोटल सेल्स है 1,20,000। आप लिखोगे यहाँ पे बाय सेल्स 1,20,000। अब आपको डिटेल दी गई है, अगर आपने सम पढ़ा होगा, अ पार्ट ऑफ द रिमेनिंग गुड्स अमाउंटिंग टू 2,200 सोल्ड इन अप्रैल 2020, मतलब
जिस साल आग लगी है उस साल के अप्रैल मंथ में ही अपन ने 200 के लॉस पे बेच दिया, 2,200 का माल 200 के लॉस पे बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 2,200 का लॉस, 2,200 का माल 200 के लॉस पे बेचा है, तो डेफिनेटली 2,000 में बेचा होगा। अब 1,20,000 में से 2,000 अब नॉर्मल है, तो नॉर्मल कितना होगा? 1,80,000। और इमीडिएटली बाय ग्रॉस लॉस लिख लीजिए 200, ताकि आप भूल नहीं जाएं कि 200 के लॉस पे बेचा है माल। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपने अभी अभी निकाला है, स्टेप वन में ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है? 30%। अब सवाल यह है कि 30% आप किस पे निकालेंगे? नॉर्मल सेल्स पे ऑलवेज, क्योंकि अब नॉर्मल पे तो लॉस था। 30% जो निकालेंगे वो आप नॉर्मल सेल्स का निकालेंगे। ओके, कैलकुलेटर ऑन करें, 1,18,000 का 30%, और वो नॉर्मल के कॉलम में यहाँ लिख लीजिए। ओके, विच इज 35,400। अब नॉर्मल में तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो डैश, तो यहाँ पर भी 35,400। सेकेंड ट्रेडिंग का हमेशा डेबिट साइड बड़ा होता है, टोटल करें, शिफ्ट दैट साइड, इसमें से ये चीजें माइनस करें, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 12,800। द सेम थिंग आप नॉर्मल के लिए करेंगे, टोटल करेंगे, ये टोटल इधर जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और अब नॉर्मल टोटल करेंगे, इधर जाएगा, माइनस होगा और आंसर आ जाएगा। अब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर में आप दो आप कैटेगरी कर देंगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल का स्टॉक जो है वो 11,400 है और एबनॉर्मल का 1,400 है, तो नॉर्मल का नॉर्मल में लिखेंगे, एबनॉर्मल का एबनॉर्मल में लिखेंगे, टोटल कर देंगे, तो 12,800 माइनस स्टॉक सेव्ड। स्टॉक सेव्ड सम में दे रखा है, आप ध्यान से पढ़ें, स्टॉक सेव्ड 7,1500, स्टॉक सेव्ड, सैलवेज इज स्टॉक सेव्ड, माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन अमाउंट ऑफ क्लेम सेम है, क्योंकि हमारे को पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखा है। अनदर लैंडमार्क सम जेके कंपनी, इसमें स्पेशल आइटम है, स्पेशल आइटम है, बोलता है 1 जनवरी 2019 का स्टॉक, 1 जनवरी 2019 का स्टॉक, यानी इस वाले स्टॉक में आग लगी है 2020 में। ओके, तो 2019 के स्टॉक में, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर द ईयर ऑफ फायर बनाते हैं ना, उसके ओपनिंग स्टॉक में स्पेशल आइटम है, जो हम 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचते हैं, ऐसा 7,400 का गुड्स है। फिर अगर आपने सम रीड किया होगा तो लिखा है कि सम पार्ट ऑफ दिस वॉज सोल्ड इन 2019 व्हाइल द बैलेंस वॉज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2020 फॉर 3,840। ये एक स्पेशल आइटम है जो हम 20% कॉस्ट पर बेचते हैं। एक्सेप्ट दिस ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल अदर आइटम्स वॉज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी एक अच्छा सम है। इसमें खास बात यह है कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर द डेट ऑफ फायर वाला बनाते हैं, बिफोर द ईयर, उसमें भी तीन कॉलम बनेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2019 के स्टॉक में स्पेशल आइटम है। तो अब यहाँ पर टोटल नॉर्मल स्पेशल हो गया, एबनॉर्मल की जगह स्पेशल हो गया, 40,000 है। अब वो बोल रहा है एबनॉर्मल यानी स्पेशल, नॉट एबनॉर्मल टू बी स्पेसिफिक, 7,400 है, तो 7,400 आप यहाँ पे लिख लेंगे स्पेशल में, करेक्ट। अब 40,000 में से 7,400 काटें तो 32,600। अब परचेजेस कितनी है? परचेजेस 2019 में परचेजेस कितनी है? 86,772। कुछ मेंशन नहीं है, तो वो नॉर्मल की है, स्पेशल आइटम हमने परचेज नहीं की है। बाय सेल्स, अब कितनी है सेल्स 2019 में? 1,57,000। अब इसमें एक मस्त पॉइंट है कि स्पेशल का कितना माल सेल किया है, नॉर्मल का कितना माल सेल किया है, ये निकालना इस समय मेन पॉइंट है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है
कि कुछ माल उसने 13 मार्च 2020 में बेचा है 3840 में, और ये जो माल स्पेशल आइटम है वो 20% ऑन कॉस्ट पे अपन बेचते हैं। तो पहले हमने ये तय करना है कि चलो जो 13 मार्च 2020 को माल बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन 13 मार्च 2020। तो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट होता है, ये एक इक्वेशन है। 20% प्रॉफिट है, आइडियोलॉजी कॉस्ट है। तो मैं कॉस्ट को 100 मानता हूं, 100 में अगर मैं 20+ कर दूंगा तो हमें सेलिंग प्राइस आ जाएगी 120। तो जो मैंने माल 13 मार्च 2020 को बेचा है उसकी सेलिंग प्राइस है 3840। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3840 सेलिंग प्राइस के नीचे लिख देता हूं। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन। 3840 × 100 / 120, तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3200। ओके, मतलब 3200 का माल मैंने 13 मार्च 2020 को बेचा है। तो 2019 में कितना माल बेचा होगा, अब देखिए लॉजिकली 7400 का माल मेरे पास पड़ा था स्टॉक। ओके, जिसमें से 13 मार्च को मैंने बेचा 3200 रुपए का माल, ये वाला करेक्ट। तो जो माल मैंने 2019 में बेचा होगा वो कितना होगा लॉजिकली बताइए, डिफरेंस परफेक्ट 7400 और 3200 का डिफरेंस, क्योंकि 7400 का टोटल माल पड़ा था, 3200 का माल मैंने 13 मार्च 2020 को बेचा है, तो 2019 में मैंने बेचा होगा 4200 का माल। डू यू अग्री? अब ये कॉस्ट है, कॉस्ट है। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द सेल्स वैल्यू। तो SP और CP का आप रिलेशनशिप यूज करिए, 100 कॉस्ट था, 120 सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट 4200 है तो उसको कितने में बेचा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगी, और यही इस सम की मेन पॉइंट है। करेक्ट, इट्स अ वीडियो, यू कैन वॉच इट अगेन। करेक्ट, इफ आई एक्सप्लेन अगेन इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द वीडियो व्हिच इज नॉट करेक्ट, आप देख लेना, अगर दोबारा आप रन करेंगे तो आ जाएगा। तो 5040 इज सेल्स। अब टोटल 1,47,000 है, जिसमें से 5,040 स्पेशल है, तो नॉर्मल कितना हो गया, 1,51,960। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कितना क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, 16,200। अब बोलोगे सर कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक, तो है ही नहीं। तो भाई 1/1/2020 का स्टॉक जो है वो एक्चुअली होगा 31/12/2019 का स्टॉक, है कि नहीं, जोरदार समय, एग्जाम से पहले बिल्कुल देख के जाना। करेक्ट, तो ये इस डेट पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 16,200, जिसमें से स्पेशल आइटम का स्टॉक कितना होगा, डेफिनेटली 3200, क्योंकि ये 3200 का माल मैंने बेचा है 13 मार्च को, तो डेफिनेटली ये स्टॉक पड़ा होगा, तब तो बेचा होगा ना, तो ये मैंने 3200 यहां लिख दिया। तो नॉर्मल का स्टॉक कितना होगा, 13,000। अब फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसका क्रेडिट साइड बड़ा होता है, टोटल करेंगे गोज दिस साइड, करेक्ट, डिफरेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट 46,428, इसका टोटल करेंगे, करेक्ट, ये इधर जाएगा, करेक्ट, उसमें से ये चीजें माइनस होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट, इसका टोटल करेंगे, इधर जाएगा, करेक्ट, इसमें से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जीपी रेट आप नॉर्मल का निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आप ये लेंगे, राइट, डिवाइडेड बाय सेल्स भी नॉर्मल की लेंगे, तो आपको जीपी रेट आ जाएगा × 100, करेक्ट, तो जीपी रेट विल बी 30%। राइट, अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट
अप टू डेट ऑफ फायर, जिसमें भी तीन कॉलम बनेंगे क्योंकि इसमें भी वो नॉर्मल स्पेशल है। तो ओपनिंग स्टॉक सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है, करेक्ट, ये वहां बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक 16,200, 13,000 एंड 3,200। अब परचेजेस अप टू डेट ऑफ फायर, आप चेक करिए परचेजेस अप टू डेट ऑफ फायर कितनी है। परचेजेस अप टू डेट ऑफ फायर है 1,74,800, और ये सारी की सारी नॉर्मल होंगी क्योंकि स्पेशल के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, तो हमने कुछ नहीं परचेज किया है। बाय सेल्स 1,70,000, ओके। अब दिया गया है 3,840 का माल आपने 13 मार्च को बेचा है, तो 3,840 इज स्पेशल आइटम, तो नॉर्मल आइटम कितनी होगी। बिल्कुल सही, 1,66,160। कैसे आया, 1,70,000 में से 3,840 माइनस, 1,70,000 में से 3,840 माइनस, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं। अभी इसका ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने निकाला हुआ है 640 था, करेक्ट, सही है, क्योंकि 3,200 का माल था, राइट, और 3,840 में बेचा है, करेक्ट। और बाकी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है नॉर्मल वाला, वो 30% ऑन सेल्स है। 30% ऑन सेल्स, 30% ऑन विच सेल्स, ऑन नॉर्मल सेल्स, करेक्ट, राइट। तो 1,66,160 का 30% निकालिए, तो यू विल गेट 49,848। इन दोनों का टोटल करके आप यहाँ लिखें 50,488। सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा होता है, टोटल किया गोज दिस साइड, डिफरेंस बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके, नॉर्मल का टोटल किया, शिफ्टेड टू दिस साइड, माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। और स्पेशल आइटम में तो कुछ स्टॉक बचा ही नहीं था, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो, निल आ जाएगा, हमारे पास स्पेशल आइटम का स्टॉक नहीं था, ओके। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल एंड स्पेशल, 71,488 का हमारे पास नॉर्मल का है, स्पेशल है ही नहीं, तो दैट इज निल। टोटल स्टॉक इज 71,488 माइनस स्टॉक सेव्ड। अब स्टॉक सेव्ड आपको दे रखा है, स्टॉक सेव्ड कितना है, 21,488 स्टॉक सेव्ड, 21,488 माइनस करेंगे तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड और अमाउंट ऑफ क्लेम सेम है, बिकॉज सम इंश्योर्ड नहीं दे रखा है। विश यू गुड लक।